एक देहाती सड़क के दरमियान चल रहा था। एक सिपाही ने उसे रोककर पूछा, आपका इसम शरीफ? वो शख्स चुप रहा। सिपाही ने फिर पूछा, आपका इसम शरीफ क्या है? वो शख्स डरते डरते बोला, जनाब इसम शरीफ तो मुझे याद नहीं, अगर कहें तो दुरूद शरीफ सुना देता हूँ। एक कुत्ता किसी सरदार की कार के नीचे लेटा हुआ था। जब सरदार ने इसे देखा तो कुत्ते की टांग खींचते हुए कहा, चल बाहर निकलो ए, आया वड्डा मैकेनिक। एक आदमी रेडियो ठीक कराने गया। दुकानदार, रेडियो ठीक है, मौसम की खराबी की वजह से चल नहीं रहा। आदमी, ये लो 100 रुपया और नया मौसम डाल दो। एक बाप और बेटा अपने घर पैदल जा रहे थे और बेटा हाथ में लिए लेस खा रहा था। अचानक से एक टुकड़ा गिर गया। जब वो उठाने लगा, बाप ने कहा, बेटा गिरी हुई चीज को नहीं उठाते। अचानक उसके बाप जमीन पर ठोकर लगकर गिर जाता है। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे उठाओ। बेटा कहने लगा, आपने अभी तो कहा था कि गिरी हुई शय को उठाना नहीं चाहिए। मालिक ने अपने नए मुलाजम से कहा, देखो फजलू, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, अगर मेरे पीछे कोई आए तो उसका हुक्म मानना और उससे अच्छी तरह पेश आना। कुछ देर बाद जब मालिक वापस आया तो उसने मुलाजम से पूछा, अबे फजलू, कोई आया था? जी हाँ सरकार, मैंने आपकी हदायत पर पूरा अमल किया है, मुलाजम ने जवाब दिया। उसने आते ही मुझसे कहा था, हाथ ऊपर उठा लो। मैंने हाथ ऊपर उठा लिए और वो रुपयों वाला संदूकचा लेकर चलता बना। एक आदमी जो माल्टे बेच रहा था, कह रहा था, आने के दो, आने के दो। एक आदमी जो करीब ही खड़ा था, कहने लगा, और जाने के कितने? उस्ताद शागिर्द से, तुम आज भी स्कूल का काम करके नहीं आए, मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। शागिर्द, जनाब मैं हाथ धो आऊं। उस्ताद, वो क्यों? शागिर्द, जनाब मेरी माँ ने मुझे हदायत कर रखी है कि हर चीज खाने से पहले हाथ जरूर धोए। बातूनी हजाम, गाहक से, तुम्हारे बाल कैसे काटो? गाहक, खामोशी से काटो। मालक, नौकर से, खबरदार आइंदा मुझसे पूछे बगैर कोई काम ना करना। नौकर, दूसरे रोज, हजूर छोटे साहब गड़े में गिर गए हैं, आप कहें तो उनको निकाल लाऊं। ताहिर, मैं एक दफा नहाया तो पानी 10 मील तक फैल गया। मानी, ये कैसे मुमकिन है? ताहिर, मैं रेलगाड़ी के गुस्लखाने में नहा रहा था। एक औरत पार्सल कराने डाकखाने गई तो डाक बाबू ने कहा, टिकट ज्यादा लगे हैं। औरत ने घबरा कर कहा, कहीं ये पार्सल मंजिल से दूर तो नहीं चला जाएगा। मुजरम, जो तेज रफ्तारी की बिना पर गिरफ्तार हुआ था, हजूर मेरी आदत है कि मैं हर काम जल्दी से करता हूँ। जज, बहुत खूब, अब मैं देखता हूँ तुम 1 साल की सजा कितनी जल्दी काटते हो।